हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज हम लोग सीखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू फिबोनाकी सीरीज़ हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये बहुत ही फेमस प्रोग्राम है फिबोनाकी सीरीज़, अक्सर आता है एग्ज़ाम्स में, जूनियर क्लासेस में, बीसीएस जूनियर सेमेस्टर्स में, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सीरीज़ को लिख दिया है, ये सीरीज़ है। तो सीरीज़ क्या ऑर्डर में इंक्रीमेंट हो रहा है पहले हम लोग वो जानेंगे, तब हम लोग इसके ऊपर अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑर्डर देख लीजिए, पहले क्या है, 0, फिर है 1, फिर नेक्स्ट नंबर देखिए 1 है। ओके, ऑर्डर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है। तो ये क्या है कि 0 और 1 जब ऐड हुआ तब ये नंबर मिला मुझे, ओके। फिर 1 और 1 ऐड होके मुझे 2 मिला, फिर 1 और 2 ऐड होके मुझे 3 मिला, फिर 2 और 3 ऐड होके मुझे 5 मिला। तो हर दो प्रीवियस नंबर ऐड हो रहा है तो हमको जो नेक्स्ट नंबर है वो मिल रहा है। जैसे 3 और 5 ऐड हो रहा है तो 8 मिलेगा, 8 और 5 ऐड हुआ तो मुझे 13 मिलेगा। तो मैं इसे जावा प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को करके बताऊंगा। और यहाँ पर एन टर्म्स लिखा हुआ है, एन टर्म्स का मतलब यूज़र अगर एन में डाला 5 तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0, 1, 1, 2, 3, 5 टर्म्स। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अगर यूज़र एन में डाला 7 तो मुझे 2 और टर्म मिल जाएगा, लाइक 5 और 8। यूज़र अगर एन में डाला 10 तो मुझे 8 के साथ 13, 21 एंड 34, क्योंकि ये टोटल 10 टर्म्स हैं। समझ में आया एंड टर्म्स का क्या यहाँ पे मतलब है? तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये मेरा प्रीवियस लेक्चर का प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे इसे आउटपुट को क्लोज करके एक फाइल क्रिएट करूँगा जावा की, और इसका नाम हम दे देंगे फिबोनाकी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फिबोनाकी। चलिए, ये मेरा क्लास क्रिएट हो गया, इसे मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पर बस एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस। तो ये स्ट्रिंग एआरजीएस एंड देन मुझे स्कैनर यहाँ पे लेना है ताकि मैं रन टाइम इनपुट कर सकूँ। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ये मैंने डाल दिया सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हमें यहाँ पे ये, अब मैं यहाँ लिखूँगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे, मैसेज डाल देंगे कि एंटर एन टर्म्स, एंटर द टर्म्स वैल्यू। ओके, तो इसको हम एन में स्टोर कर ले रहे हैं, एसी डॉट नेक्स्ट INT। अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1, एंड एक वेरिएबल ले लेंगे सी। अच्छा, देखिए ये एक तरीका है, अप्रोच है, मैं हर प्रोग्राम में अपने बोलता हूँ, ये सिर्फ एक अप्रोच है। मैंने बस एक सिंपल सा लॉजिक लगा के रन करा के आपको आउटपुट दिखा दिया, बट आप इसे सीखिए और सीखने के बाद अपना खुद का लॉजिक इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिए। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, ओके, आई लेस देन एन इक्वल्स टू, अच्छा अब ये लेस देन एन इक्वल्स टू क्या होगा देखा जाएगा अभी, तो सेमी कोलन डाल के मैं फिलहाल अभी छोड़ दे रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए और बी के वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ए और बी का वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। हम यहाँ पे आउटपुट जो है हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करेंगे, तो ये देखिए, ए प्लस स्पेस डाल दिया बीच में एंड देन प्लस बी। तो ए और बी डिस्प्ले हो गया, मतलब हमको दो टर्म मिल गया ना। यहाँ पर देखिए, 0 और 1 हमें मिल गया, यानी कि हमने ऑलरेडी दो टर्म डिस्प्ले कर दिया, यानी कि अब मुझे सिर्फ दो दो टर्म मैंने जब पहले से ही डिस्प्ले कर दिया, यानी दो टर्म अब मुझे कम डिस्प्ले करना होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन माइनस 2 और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, देखिए ए और बी जो है, अब मैं एक काम करता हूँ, सी के अंदर मैंने डाल दिया ए प्लस बी, और इसे मैं यहाँ से कॉपी करके इधर डाल दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली बस सी लिख दूंगा और इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रहा हूँ, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पर ही पूरा लॉजिक छुपा हुआ है इसका, और लॉजिक तो वैसे यहाँ पर लूप का भी है, इसका भी है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसका। तो ये अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन करा के आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ, और फिर फटाफट इसका हम लोग ड्राई रन करके समझेंगे। एंटर द टर्म्स वैल्यू, मान लीजिए मुझे 10, हाँ 10 करना है, तो मुझे देखिए आउटपुट में क्या मिला, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये सब आपस में चिपका हुआ आया क्योंकि यहाँ पर मैंने सी के बाद स्पेस नहीं डाला है, ठीक है। चलिए फिर से रन कराते हैं इसको, आउटपुट दें, तो ये मुझे देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया 10, तो मुझे आउटपुट में देखिए 0, 1, फिर 1 के बाद ये दोनों 1 आपस में चिपका हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर
एक स्पेस अगर हम यहाँ पे पहले डाल दें स्पेस तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसे पहले डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगाना होगा और ये कोड्स हटा दिया। चलिए ये अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं इसे रन कराता हूँ। अब प्रॉपरली आएगा आउटपुट इसका। ये मैंने 10 डाला और ये देखिए 01, ये 34 तक मेरा आउटपुट आ रहा है। आप दूसरा वैल्यू डालेंगे तो दूसरा आउटपुट आएगा। तो चलिए मैं इसको पहले आपको फटाफट ड्राई रन करके बताता हूँ। तो ये मेरा ड्राई रन करने के लिए मैंने ये एडिटर खोल दिया और ये नेटबीन्स, इन दोनों को अब हम आजू बाजू में कर दे रहे हैं ताकि समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। और ये देखिए पीछे में मेरा चैनल, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लें। ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको जावा के प्रोग्राम्स मिलेंगे, बेसिक लेवल पे बेहतरीन बेहतरीन प्रोग्राम मिलेंगे आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आप कुछ कर भी नहीं सकता इसमें। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिबोनाची सीरीज कैसे डिस्प्ले हो रहा है, फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिए ए में क्या है 0, बी में क्या है 1, और वो हमने डिस्प्ले कर दिया, यानी कि आउटपुट में हमको 0 और 1 ऑलरेडी मिल चुका है। एक सेकेंड में ये एडिटिंग टिप्स को यहाँ से हटाता हूँ पहले। ओके, अब ध्यान दीजिए फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, एन माइनस टू टाइम्स। मान लीजिए मैंने एन में क्या लिया था, मैंने एन में 10 लिया था, ठीक है। यानी कि अब ये लूप कितनी बार चलेगा, टोटल 8 टाइम्स चलेगा। ओके, तो आई का वैल्यू इनिशियली क्या है 1। अब आ जाते हैं हम लोग लूप के अंदर। अब लूप के अंदर हम क्यों आए, क्योंकि ये कंडीशन देखिए ट्रू है। प्रीवियस प्रोग्राम्स आप ज़रूर देखें अगर आपको लॉजिक अच्छे से बिल्डअप करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर में चीज़ें मैंने समझाई हैं, बहुत जगह पे ड्राई रन मैंने बहुत डेप्थ में जाके समझाया है, ठीक है ना। तो वो आप देखेंगे तो इससे समझने में बहुत आसानी होगी आपको। तो ये जो लूप है यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और एन माइनस टू क्या होगा 8 होगा, तो ये कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग लूप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सी के अंदर देखिए क्या स्टोर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा एकदम। ए में है मेरा 0, बी में है मेरा 1 और सी में मेरा क्या आ गया 1 आ गया। क्यों? क्योंकि ए और बी में 0 और 1 है, वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। मतलब मुझे आउटपुट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ए में बी आ रहा है और बी में सी आ रहा है, इसका मतलब स्वैपिंग हो रहा है। तो हमने ए के अंदर बी के वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो देखिए बी का वैल्यू जो 1 है वो ए में चला गया, मतलब अब ए में क्या है 1। और देखिए नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, बी इक्वल्स टू सी, यानी कि जो सी का वैल्यू है वो बी में ओवरराइड हो गया। तो वैसे दोनों तो सेम ही वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 और 1, यानी अब ए और बी में क्या है 1 है और 1 है, ठीक है। अब हम बताइए यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये लाइन नंबर 28 से वापस फॉर लूप के इस अपडेशन वाले पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर मेरा आई का वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगा 2, यानी अब ये लूप सेकेंड टाइम्स चलेगा। सेकेंड टाइम्स में चलिए देखते हैं कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। फिर सी में क्या आएगा, ए प्लस बी। ओके, तो सी में आएगा आपका ए प्लस बी, यानी कि 1 + 1 ये क्या है 2 है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, यानी कि मेरा 2 डिस्प्ले हो गया, क्लियर। अब मेरा ए और बी का वैल्यू आपस में देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ए में आ रहा है बी का वैल्यू, ओके, ये देखिए लाइन नंबर 27 में ए में जा रहा है बी का वैल्यू, मतलब ये 1 इसके ऊपर ओवरराइट हो गया, यानी कि 1 में 1 ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नीचे देखिए लाइन नंबर 28 में बी में आ रहा है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू जो 2 है वो देखिए बी में ओवरराइट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, यानी ए और बी का अब 2 नया वैल्यू है, यानी ए में आ गया 1, बी में आ गया 2। अब हम यहाँ से बताइए कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम लोग आई प्लस प्लस में जाएंगे। अब आई का वैल्यू क्या है, 1 से 2 था ना, अब ये हो जाएगा 3। कंडीशन चेक कर लीजिए, ट्रू है। फिर से हम अंदर आएंगे, अब सी में क्या आएगा ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी मतलब 2 + 1, यानी कि सी में आएगा 3। तो ये देखिए मेरा 3 डिस्प्ले हो गया। अब फिर से ए और बी का वैल्यू आपस में देखिए कैसे चेंज हो रहा है, तो बी का वैल्यू जाएगा ए में, सी का वैल्यू जाएगा बी में, यानी यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3, यानी कि अब जो होगा नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है ना, जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, चौथी बार अब ये फॉर लूप चल रहा है, इसको 8 बार चलना है। अभी सी में क्या आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब देख लीजिए ए में 2 है और बी में 3 है, 2 + 3 क्या होगा 5, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 5। तो मुझे वही चीज़ मिल रहा है जो हमको आउटपुट में चाहिए था। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये जो हमको आउटपुट में मिला था, ये देखिए ये आउटपुट मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो जो हमें चाहिए वो मिलता जा रहा है। उसी तरह से 8 मिलेगा ये दोनों ऐड होके, सॉरी 5 और 3
ऐड होके 8 मिलेगा, फिर ये 5 और 8 ऐड होके 13 मिलेगा, फिर 8 और 13 ऐड होके आपको 21 मिलेगा, और इस तरह से हमारा आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया हो फिबोनाची सीरीज़। इसे सॉल्व करने के और भी तरीके, इसे आप डू वाइल वाइल लूप से भी कर सकते हैं। मुझे बताइए कि ये वाइल लूप से कैसे होगा, मुझे अपना कोड अपना नाम कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगा फ्यूचर में भी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आप ये जो प्रोग्राम कर लिए समझ में आ गया तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम सभी को होता है, मुझे भी प्रॉब्लम होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिले और भी दूसरे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, और आप मुझसे जुड़ सकें। उसके लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, अपना नाम मैसेज करिएगा, अपना फ़ोन नंबर मैसेज करिए, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें। और इन फ्यूचर, क्योंकि मैं देखिए प्रोग्रामिंग फील्ड से हूँ, आप लोग अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।